हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल, और मैं हूं ब्लैक्स आउट। तो आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। जी हां, वर्सेस तो होने ही वाला है, पर आज कुछ समथिंग डिफरेंट लाए आप सबके लिए। जी हां, इसके अंदर होने वाला है 1v3 मैच। तो आप सब देख सकते हो DRNS आए हैं ग्रीन क्रिमिनल बंडल में, जो कि इंडिया सर्वर का बहुत ज्यादा रेयर बंडल है। आप सभी ने देखा होगा, बहुत कम लोगों के पास ये बंडल है। तो 1v3 गेम होने वाला है। सामने है तीन बंदियां, माया, डिम्पल और एलिया। तो देखने वाली बात होगी बैटल कैसे होने वाला है। और DRNS पहले ही गिर चुके हैं, 1v3 सिचुएशन संभालने के लिए आए हैं DRNS। तो आप सबको पता ही है DRNS कितना ओवर पावर्ड प्लेयर है। CSO चाहे फुल मैप, वो हर जगह अपना छाप छोड़ना पसंद करता है। तो आज देखते हैं DRNS कैसा परफॉर्म करने वाले इस ग्रीन क्रिमिनल बंडल में। इसको पहले बात बंदों के अंदर एक अलग ही चाव सी आ जाती है मैच जीतने की। तो देखने वाली बात होगी, शायद कपिल थोड़ा सा डाउन कर दो, अंदर बंदा घुसा है पर डिम्पल का फर्स्ट ब्लड आ गया है। दूसरा राउंड कोचिनो का राउंड स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे बात करें तो DRNS, देखने वाली बात होगी। सामने जब तीन बंदियां हैं तो कितना प्रेशर लेने वाले हैं DRNS, देखने वाली बात होगी क्या करने वाले। ग्रीन क्रिमिनल बंडल इनके पास पहुंचे हुए बंडल सर्वर में, और क्या ही शॉट मारे। शॉट गन बड़ी पैरा पर करते हैं चलाना, क्योंकि बहुत गंदी चलाते हैं शॉट गन जब चलाते हैं। 5 गोल देखने वाली बात, क्या लाल मार दिया DRNS, क्या ही गेम है। ओ भाई, दूसरी बंदी को भी ले चुके हैं, सामने आई एक और बंदी। तो देखने वाली बात होगी, और यहाँ पे माया ले चुकी है हेडशॉट से। तीसरा राउंड चल चुका है, जो कि बनाया सेंटोसा के अंदर, और दो राउंड लगातार जीत कर लड़कियों ने ले लिया बढ़त। तो देखने वाली बात होगी DRNS क्या करने वाले। पिंग तो ठीक है, पर समझ नहीं आ रहा है हाई क्यों जा रहा है यहाँ पे। देखने वाली बात होगी क्या होने वाला है इस गेम के अंदर। सामने है 1v3 सिचुएशन, DRNS देखते हैं। बंदी ने पीछे से अच्छा खासा डैमेज दिया है, नहीं लगा है, नहीं लगा है। DRNS कंटिन्यू घूमते, 5 गोली लेके खेल रहे हैं DRNS, पूरे का पूरा प्रेशर दिखता है, क्योंकि सामने एक साथ तीन तीन बंदियां इनका प्रेशर बना रही है। सामने क्या ही शॉट मार रहे हैं, देखने वाली बात होगी कैसा खेलने वाले हैं DRNS। सामने तीन बंदियां हैं, और ग्रीन क्रिमिनल बंडल आप सबके सामने परफॉर्म कर रहा है। बहुत कम बंदों के पास ये ग्रीन क्रिमिनल बंडल है, लिटरली बहुत ही प्यारा बंडल है। जब आया था बहुत कम ही लोगों ने ये निकाला था। भाई क्या खेल रहा है DRNS, दो दो बंदियों को ठिकाने लगा चुका है, क्या ही हेड मार रहे हैं। तो सामने अकेली कौन बच गई है, तो फिर से माया जी बच गई है, जो कि हेडशॉट की तैयारी कर रही है। जैसे पिछली बार इन्होंने हेडशॉट मारा था, इन स्कोप नहीं मारा था, ट्रैक मारा था, तो इस बार भी लॉन्ग रेंज खेलना प्रेफर कर रही है। तो देखने वाली बात होगी, 1v1 सिचुएशन, माया के सामने DRNS, माया के ऊपर DRNS रश मार दी, 5 गोली DRNS के पास, शॉट काफी जब जब मार दिए इस बार DRNS, अलग ही और ट्रिपल किल DRNS की, क्या ही खेल गए। चौथा राउंड स्टार्ट है, जो कि बनाया फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ पे DRNS इस बार डेजर्ट ईगल डबल बैरल शॉटगन सब कुछ लेके हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या अकेला ग्रीन क्रिमिनल DRNS तीन लड़कियों पे भारी पड़ गया, तीन लड़कियों को अच्छे से दाव पे दे पाएंगी। देखने वाली बात होगी, माया जी कंटिन्यू पीछे भाग रही है, और यहाँ पे क्रोनो यूज कर रही है XTG, यहाँ पे डेजर्ट ईगल का कमाल दिखाना चाहती है वन टैप के चक्कर में। तो यहाँ पे लड़कियां काफी ज्यादा प्रो नजर आ रही है देखने में, और यहाँ पे एक बंदी को ले लिया गया है DRNS, अलग ही फॉर्म में दिखते हैं, और दूसरी बंदी को क्या ही मारा है, पर हेल्थ उससे ज्यादा गवा चुके। सामने बंदी पे भी शॉट गन है, 2 गोली में नॉक हो जाएंगे। तो देखने वाली बात की, और दूसरी बंदी को भी ले लिया यहाँ पे। बात करें एक ही बंदी बची है, एक ही बंदी बची है, कंटिन्यू डैमेज और ट्रिपल किल, फिर से आते हुए DRNS अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पे बात करें तो, और क्या ही राउंड निकाला। पांचवा राउंड है, केप टाउन का राउंड है, और मूवमेंट इतनी है DRNS के पास के रुखे से नहीं रुक रही है, क्योंकि ये बंदा हर जगह अपना नाम छोड़ना जानता है DRNS। जी हाँ, टीम डी के बॉस सातिर और खतरनाक प्लेयर स्टार्टिंग से CS में परफॉर्म करते आ रहे हैं, और क्या ही ग्लूवल लगा रहे हैं भाई, ये कैसे लग रहा है आगे से उल्टा पीछे। तो क्या ही मूवमेंट दिखा रहे हैं, क्या ही रफ्तार दिखाते हैं DRNS, देखने वाली बात होगी कैसा करने वाले ग्रीन क्रिमिनल बंडल में खेलते हुए। बात करें तो हर एक जगह पे परफॉर्म करना चाहते हैं DRNS, जी हाँ, चाहे CSO चाहे फुल मैप हो, हर जगह अपना छाप छोड़ देते हैं। यहाँ पे बात करें 1v3 सिचुएशन, लड़कियां पूरा मौका ढूंढ रही हैं, इस बार एक साथ होके खेलने लगी हैं, इनको पता है तीनों को कि सामना खेला बनता है तो उसको दबोच लिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी DRNS क्या करने वाले हैं। सामने बनता है, भाई ये उम्मीद ना थी कि ये मतलब इसको लाल ही मारेगा। देखने वाली बात होगी, हेल्थ बहुत लो हो गई है, हेल्थ बहुत लो हो गई है, नॉक कौन है यहाँ पे, एलिया को नॉक ले लिया गया, एलिया नॉक है पे, NH के डिम्पल और सच के साथ माया दोनों चिपक के खेल रही हैं, पूरा पूरा एक साथ जाते हुए। देखने वाली बात होगी DRNS कैसी जिम्मेदारी संभाल पाने के लिए, जब सामने दो बंदे हो तो मुश्किल भी हो सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात होगी, बंदा सामने हील करते हैं, यहाँ पे बात करते हो, और लेफ्ट बंदी आ गई है, ले जाएगी और ले चुकी है, और फर्स्ट ब्लड आ चुका है, 3-2 आगे हैं बंदियां। छठा राउंड है, जो कि क्लॉक टावर का राउंड, और इस वीडियो में कुछ डिफरेंट है आप सबके सामने। जी हाँ, 1v3 सिचुएशन संभाल रहे हैं DRNS इस वक्त, ग्रीन क्रिमिनल बंडल के सामने है तीन बंदियां, और बंदी के हाथ में भी डेजर्ट। तो भाई डेजर्ट और सी डेजर्ट का मुकाबला देना चाह रही है दोनों बंदियां, देखने वाली बात उनकी होगा, तीन तीन बंदियां एक साथ मार रही है यहाँ पे। देखने वाली बात होगी DRNS कैसा प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि तीनों बंदियां एक साथ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है DRNS पर, पूरा पीछे की तरफ आ चुके हैं DRNS। कौन सी बंदी इनको पहले लेने वाली, और सारी बंदी एक साथ आती, एक पीछे साथ किए घर से, और क्या ही स्ट्रेटजी, एक बंदी सामने से आई और एक बंदी पीछे से आ गई। यहाँ पे देखने वाली बात होगी DRNS पर पूरा प्रेशर बना दिया गया इस वक्त, क्या ही
मैचअप को हैंडल कर पाते हैं नहीं, देखने वाली बात होगी। और आगे उनके सामने डैमेज दे रहे हैं अच्छा खासा, और यहाँ पे सिंपल नीचे से शॉट निकालने की ट्राई कर रही है और देख लिया, और यहाँ पे ले चुकी है पूरा का पूरा। सातवां राउंड शिपयार्ड का राउंड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे बात करें DRNS पिछड़ते हुए तीन बंदियां भारी पड़ रही हैं इस वक्त बात करें तो DRNS पे। तो अपन बात करें ये गेम सारी बंदी अपना रियलिटी का ही खेल रही है, कोई गलतियां नहीं कर रही है। पालिया को पहली नॉक ले लिया गया बात करें तो, अब वन और टू से सिस्टर को अब देखते हैं क्या होने वाला है इस गेम के अंदर। क्योंकि बात करें यहाँ पर आप सबको पता है जैसे कि यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक स्क्रिप्टेड होते हैं कि बंदी टू करा दिए करा दिए, पर ये आप सबके सामने रियलिटी चल रही है। जब तीन बंदियां सामने हो, जब अकेला बंदा हो तो प्रेशर कितना बना देती हैं तीन बंदियां, ये दर्शाती हुई तीनों बंदियां। देखने वाली बात हुई माया और डिम्पल क्या करने वाली है, डिम्पल पीछे से आ रही है और माया राइट से कर रही है, लाल मार दिया यहाँ पे इतनी देर में DRNS के सामने दूसरी बंदी और एक दूसरी को भी खोल दिया और 4-3 से वापसी कर रहे हैं DRNS। और आठवां राउंड है ऑब्जर्वेटी का राउंड, और इस बार DRNS ने वापसी करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, DRNS के लिए 1v3 सिचुएशन में जब सामने तीन बंदे हैं और अकेले DRNS है तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। और साफ इनके हाथ में है ग्रीन क्रिमिनल बंडल जो कि इंडिया सोलो का बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट बंडल है। और बात करें सामने पूरी बंदी जो कि स्टार्ट पर मिला करता था और ट्राई कर रहे हैं पूरा का पूरा हेड मारने के बाद नहीं मार पाए। 1-on-3 पीछे से बंदी आ चुकी है, आगे से बंदी आ चुकी है, पूरा गेम लिया यहाँ पे DRNS को और यहाँ पर कंटिन्यूस दे रही है माया जी। माया जी आपने 390 डबल हिट ऑफ फायर सिंगल डैमेज बढ़ा हुआ, डिम्पल थोड़ी सी अटक तू यहाँ पर पूरा मौका ढूंढ रही है बंदा, जैसे ओपन आएगा तुरंत मार दूँ वहाँ पे। देखने वाली बात होगी और यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जैसे ओपन आए DRNS यहाँ पे डिम्पल ने। राउंड है जो कि कटोल इक्कीवा का राउंड, और बात करें तीन बंदियों ने इतना प्रेशर बना लिया है कि ओ क्या ही लाल मार दिया है DRNS, अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक और बंदी आ चुकी है, क्या ही रफ्तार दिखाते हैं DRNS, और बंदियां भारी पड़ रही है 1v3 सिचुएशन में। बात करें क्योंकि तीनों बंदियां तीनों साइड से मारेंगी तो एक बंदे पर प्रेशर आता है, नॉर्मल सी बात है। चाहे लो लेवल प्लेयर हो चाहे कैसा भी प्लेयर हो, तीन बंदियां हमेशा भारी पड़ ही जाती हैं लड़कों पे, अकेले बंदे पे। सॉरी लड़कों की बात नहीं बोल रहा हूँ, अकेले बंदे पे। और क्या ही मारा है और क्या ही आनस में हेड मारा है। पर बात करें तो माया अच्छा खासा P90 यूज कर रही है, बात करें डिम्पल आ चुकी है बैकअप देने के लिए इनको। देखने वाली बात है कि अपने बंदे को हील करेगी, हेल्थ बहुत ज्यादा लो, अब आलोक सपना आपको हील करेगी क्या RNS का रस होगा। और देखने वाली बात होगी RNS रस मार रहे हैं, बंदी हील कर रही है कंटिन्यू, और अब बॉल लगा बंदी को कवर, और यहाँ पे नीचे एम आया पर बंदी बच गई अभी भी, डिम्पल की हेल्थ बहुत लो और कंटिन्यू बॉल तोड़ती हुई यहाँ पे बॉल तोड़ती हुई। देखने वाली बात होगी क्या होने वाला है 1-on-1 क्या DRNS इस मैच के अंदर गेम खत्म होने वाला है या फिर वापसी करने वाले। और ट्रिपल किल और DRNS की कंटिन्यू वापसी, दो राउंड चाहिए DRNS को, अब एक ही राउंड जीतना बाकी रह गया है। पर बात करें तीन लड़कियों को तो देखने वाली बात होगी DRNS क्या तीन राउंड निकाल पाएंगे या नहीं इस राउंड के अंदर, बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर एक बंदे तीन तीन बंदियों को मारता है। और यहाँ पे RNS एलिमिनेट हो चुके हैं तो यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि रियलिटी अगर वर्सेस किया जाए 1v3 सिचुएशन में शायद सामने लो लेवल प्लेयर क्यों ना हो, तीन बंदियां या तीन बंदे हमेशा भारी ही पड़ जाते हैं। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो का लाइक एम 20,000 रहने वाला है। जी हाँ, जो भी वीडियो पा रहे हो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर RNS का गेम प्ले बिल्कुल भी पसंद आया हो तो उसके यूट्यूब का चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।